डॉग के पैर बेंड हो जाना, यानी कि लेग जो होती है, पैर होता है, वो मुड़ जाता है, यानी कि चलने में जो डॉग को तकलीफ होती है उसके कारण डॉग को कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ये किस कारण होती है, क्या रीजन होता है, या फिर कोई केयर में कमी रह जाती है, तो इस सारी चर्चा में इस वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए और हम इस वीडियो में ज्यादा कुछ मैटर नहीं डालेंगे, ओनली जो पैर मुड़ते हैं उनके बारे में बताएंगे, जो मेनली जो फैक्ट होते हैं। हमारा कोई भी वीडियो जाके देखिए यूट्यूब पे, सब में जो फैक्ट है, जो डिजीज के फैक्ट होते हैं वही बताते हैं। तो चलो हम इसके जो फैक्ट होते हैं, किस कारण से बीमारी होती है, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्ट होता है एक्सरसाइज का, जो पप्पी होता है उसमें एक्सरसाइज करवाते हैं या नहीं करवाते, ये जो एक्सरसाइज नहीं करवाते तो भी ये पैर बैंड होने का खतरा रहता है, और ज्यादा एक्सरसाइज करवाते हैं तो भी पैर बैंड होने का खतरा रहता है। जैसे आप ज्यादा एक्सरसाइज का मतलब जैसे जंपिंग करवा रहे हो, जीने में जो पैडा होता है उसमें से नीचे ऊपर चढ़ा रहे हो तो भी ये पैर बैंड होने का खतरा रहता है। टाइल्स पे, पक्के फर्श पर रखने से भी पैर बैंड होते हैं। नॉर्मली इनको एक्सरसाइज करानी चाहिए, ज्यादा जंपिंग उछल कूद नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इनके जो छोटे पप्पी होते हैं पैर लचीले होते हैं, इनकी बोन्स लचीली होती हैं, तो इनको ज्यादा एक्सरसाइज और कम एक्सरसाइज न करवाएं। तो दूसरा जो फैक्ट होता है न्यूट्रिशन का, जैसे न्यूट्रिशन में हम देखते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, बाकी और विटामिन का इतना रोल नहीं रहता जितना विटामिन डी का रहता है, कैल्शियम का रहता है, फास्फोरस का रहता है। और स्टार्टर देते हैं, जैसे पप्पी में सबसे पहले जो स्टार्टर होता है, छोटा बच्चा होता है, उसमें स्टार्टर देते हैं। और विटामिन डी की बता दिया आपने, जैसे कैल्शियम, कोई भी कैल्शियम ले लो, उसमें विटामिन डी आएगा, फास्फोरस आएगा, तो इसको हमें रोजाना पूर्ति के अनुसार इनको डॉग को देनी चाहिए, क्वांटिटी के हिसाब से, जो भी अपना पप्पी का वेट के हिसाब से देनी चाहिए, तो ये अपनों को कंटिन्यू रखना है। तीसरा होता है दोस्तों छोटा सा, उसमें 2-4% की दिक्कत रहती है, जैसे 2-4% कई बार अनुवांशिक जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स के आधार पर भी, जैसे मदर है, फादर है, तो उसके भी कुछ गुण आ जाते हैं, उसके कारण ये बहुत कम होता है, रियर चांस में रहता है, कुछ 2-4% रहता है, तो उसमें देखने को कम मिलता है, तो अनुवांशिकता कम है, बाकी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन। कई बार चोट की वजह से, जैसे कि पैर में कोई चोट लग जाती है, उसको हम टाइम से नहीं देख पाते हैं, तो वो पैर बैंड हो जाता है और बाद में बैंड ही रहता है। और पैरालाइसिस होता है, पैरालाइसिस अलग बीमारी है, इसमें आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये आप इन चीजों का ध्यान रखिए, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, शॉर्ट शॉर्ट जानकारी, ये फैक्ट ध्यान रखना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो और फैक्ट के आधार पर मिलेंगे।